अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहम खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर आ रही है वो बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। वो दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि जो कोरोना इमरजेंसी जो टीम होती है उनको एक प्रपोजल दिया गया है कि बिजनेस वीजा जो कुवैत में काफी दिनों से बंद है वो बिजनेस वीजा को स्टार्ट करने का प्रपोजल रखा गया है। तो यदि साथियों अगले महीने तक ये प्रपोजल यदि उनके तरफ से एक्सेप्ट किया जाता है तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। जो भी लोग बिजनेस वीजा से वहां पे आने वाले हैं कुवैत में, उन लोगों को आने की अनुमति दे दी जाएगी और बिजनेस वीजा लोग वहां पे आ पाएंगे। आपको मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि वहां पे वर्क वीजा भी स्टार्ट किया गया है, पर सिर्फ फूड कंपनियों के लिए, जैसे कि खाने पीने के सामान जो लोग बनाते हैं, जो कंपनियां बनाती है, तो उन लोगों का वीजा स्टार्ट भी हो चुका है। वर्क वीजा वो बहुत सारे लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आना स्टार्ट भी कर दिए हैं। और सबसे पहली बार दोस्तों टीचरों को भी लाया जा रहा है। तो अगले महीने से पूरी गारंटी है दोस्तों कि बिजनेस वीजा स्टार्ट हो जाएगा। प्रपोजल को रख दिया गया, एक्सेप्ट करते ही बिजनेस वीजा को स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगली खबर साथियों जो कुवैत से आ रही है वो भी काफी अच्छी खबर है, बताना चाहूंगा। मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि अब बहुत ही जल्दी हो सकता है पब्लिक सेक्टर पे मास्क लगाने का सिस्टम को हटा दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, कुवैत में हालात लगातार सुधर रहे हैं, लगातार केसेस गिर रहे हैं, लगातार रिकवरी का रेट बढ़ता जा रहा है। इसी की वजह से बहुत ही जल्दी दोस्तों ये महीना नहीं तो अगले महीने के स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ही वहां पे मास्क जो पब्लिक प्लेस में पहनने का जो रूल था उसे हटा दिया जाएगा। बिना मास्क में भी पब्लिक प्लेस में आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों को वहां पे वैक्सीनेटेड किया जा चुका है। दोस्तों वहीं सऊदी के बारे में बात करें तो सऊदी में मास्क सिस्टम तो पहले से ही हटा दिया गया था और मस्जिदों में जो सोशल डिस्टेंसिंग है दोस्तों, जो स्टिकर साटा जाता है वो स्टिकरों को मस्जिद उल हरम से भी स्टिकरों को आज के दिन उठाया गया दोस्तों। ये वीडियो वायरल भी हो रही है, यदि आपने नहीं देखा है तो गल्फ टाइम्स की वेबसाइट पे खोल के ये वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे जो सऊदी के मक्का शरीफ में जो नमाज वहां मस्जिद में होती थी, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का जो स्टिकर लगाया गया था उसे हटा दिया गया है। अगली खबर साथियों जो आ रही है वो आ रही है कुवैत के दोस्तों प्राइम मिनिस्टर सबा अल अहमद की तरफ से आ रही है। आपको पता होगा साथियों कि कुवैत के जो मिनिस्टर है वो फॉरेन टूर पे गए हुए थे, अलग अलग देशों के वहां पे प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के लिए। तो काफी दिनों से वो बाहर थे, फाइनली दोस्तों वो अपने मुल्क वापस कुवैत आ चुके हैं। कल के दिन ही उन्होंने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उन्होंने लैंड किया और सही सलामत वो घर भी पहुंच गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में। ऐसे तो मैंने कल की वीडियो मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं शॉर्ट में ये बात आपको बता देता हूं कि साथियों जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज्यादा हो चुका है तो उनके लिए मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ पे ऐलान कर दिया गया है कि उन लोगों का वर्क परमिट और रेसिडेंसी जिनका एक्सपायर कर चुका है, कामा एक्सपायर कर चुका है, उन लोगों का जल्द से जल्द रिन्यूअल किया जाए। तो दोस्तों इस पे काफी अटकलें चल रही थी, काफी विवाद हो रहा था, पर फाइनली उसको मंजूरी दे दी गई है। अब वहां पे वर्क जो उन लोगों का जो रेसिडेंसी जो एक्सपायर कर चुका था या कामा एक्सपायर कर चुका था वो जल्दी से रिन्यूअल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगली खबर साथियों आ रही है जबर ब्रिज से। जबर ब्रिज के बारे में दोस्तों आपने हमेशा सुना होगा, कभी एक्सीडेंट की घटनाएं, कभी सुसाइड की घटनाएं। वहां पे साइकिलिंग को बंद कर दिया गया, वॉकिंग को बंद कर दिया गया, पर फाइनली दोस्तों एक अच्छी खबर वहां से ये आ रही है जबर ब्रिज से कि हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि जबर ब्रिज में शाम 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक आप साइकिलिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बीच में उसके बाद आपको पूरे दिन में साइकिलिंग करने की वहां पे पूरी की तरह से बैन रहेगा। टाइमिंग याद रखिए दोस्तों, शाम 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक इसकी टाइमिंग होगी साइकिलिंग करने का। तो ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, साथ शेयर करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।